माँ ने जबरदस्ती ना की होती तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। तुम तो हमेशा से दुनिया के सबसे बड़े बोर हो, ना बात करने की स्टाइल, ना कोई पर्सनालिटी, और कपड़े। कपड़ों के बारे में कुछ मत बोलना माला, कपड़ों के बारे में तो कुछ मत बोलना। पूरे लोखंड वाला में मेरे जैसे कपड़े कोई नहीं धोता, समझी? अरे मैं धोने की नहीं पहनने की बात कर रही हूँ। और मेरे मरने के बाद भी तुम यही कहोगे ना कि अर्थी पर डालने की चुनरी खादी की खरीदना? नहीं नहीं, तुम तो उस वक्त भी खड़े हो जाओगी, बहस करने लगोगी कि चुनरी कांजीवरम की नहीं ला सकते थे तुम। एग्जैक्टली, मेरे जीते जी तो कुछ नहीं दिया, कम से कम मरने के बाद तो कुछ मांगू। जीते जी मैंने कुछ नहीं दिया तुम्हें। क्या दिया? एक कुत्ता भी खरीद कर दिया मुझे। हमारे सारे पड़ोसियों के पास कुत्ते हैं, हमारे पास ही नहीं। मैं हूँ ना, फिर घर की सुरक्षा के लिए कुत्ते की क्या जरूरत है मैडम? अरे कुत्ता कम से कम मुझे कंपनी तो देगा, मेरे साथ घूमने फिरने तो आएगा। मैं तुम्हारे साथ घूमने फिरने नहीं आया। कहाँ गए? मुझे बाहर ही कब ले गए? याद दिलाओ, हनीमून पर। और वो भी क्या सोचा था, कश्मीर, कुल्लू मनाली, शिमला, और कहाँ ले गए? हुमली। वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ तुम्हें किसी का बंगला मुफ्त में मिल रहा था। किशन, तुमने कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं की। पिक्चर ले जाना, डिनर पे ले जाना, पिकनिक तो दूर की बात, तुमने कभी मुझसे प्यार की दो बातें तक नहीं की। ताली दो हाथ से बजती है माला, शादी से पहले भी तुम मुझसे नफरत करती थी और शादी के बाद भी। मैं यूं ही नहीं कि दिन रात अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस में खोने की कोशिश करता हूँ। तो मैं भी यूं ही शॉपिंग नहीं करती रही पागलों की तरह। किशन, अगर आज मैं शॉपहोलिक हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं खुशी इन गहनों, कपड़ों और जूतों में ढूंढती थी। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि मुझे वो सुख इन चीजों में कभी नहीं मिलेगा। मेरे 9,35,55,315 रुपए खर्च होने के बाद पता चला तुम्हें? नहीं, अपनी जिंदगी के 12,054 दिन और 23.5 घंटे तुम्हारे साथ बर्बाद करने के। जानता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा पागलपन करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस डिवोर्स को रोकने। इनके आज को बदलने के लिए मुझे इनका कल बदलना है। प्रोफेसर, आखिर तुम आई गए। वेल यंग मैन, क्या फैसला किया तुमने तानिया से शादी करने के बारे में? प्रोफेसर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट? साल एंटर करो, कोई भी साल। 1975। तुम्हारा बर्थ ईयर है? नहीं सर, मेरे पेरेंट्स की शादी भी नहीं हुई थी तब तो। शादी और जन्म का क्या संबंध है? शहर बताओ। मुंबई, बस आई मीन तब बॉम्बे था। किसी चीज को हाथ मत लगा। नो, खास करके ये लाल बटन, इसे दबाने से मशीन फ्लाइंग मोड में आ जाती है, समझे? या संभाल के किसी चीज को हाथ मत लगाना। केयरफुल। Thank you.
तुम्हारी शादी उसके साथ कभी नहीं होगी। काय का प्रोफेसर ना? आज भोजनालय दादाजी का रेस्टोरेंट। दी तुम्हें होली जलाने के लिए मेरा ही पेड़ बचा था। आज मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, बस मेरे बेटे को आ जाने दो। तुम्हारा बेटा? उस नाजुक अली को बेटा कहते हो तुम? और करेगा क्या, टहनी को वापस जोड़ देगा पेड़ से? नहीं, बहुत ताकतवर है वो। अच्छा, एक सांस में पूरा पेड़ उखाड़ के अपने घर में लगा सकता है। आज मैंने तुम लोगों को गोली नहीं मारी तो? गोली सेठ, गोली की क्या जरूरत है, आइटम बम है ना, आइटम बम कहां है? ये लो। किशन बेटा, जरा मेरी बंदूक देना। कौन है आप भाई साहब? तेरा बाप गधे। सॉरी बाबूजी, मैंने आपकी आवाज नहीं पहचानी, पर जब आपने मुझे गधा कहा तो मैं एक सेकंड में समझ गया। अच्छा बकवास बंद कर, जल्दी से मेरी बंदूक दे। ये लीजिए पिताजी। ला। संभाल के रुकना वहीं। हाँ, ऐसे ही खड़े रहो, एक दूसरे के पीछे, एक ही गोली से काम चल जाएगा। ये लो, देखता हूँ आज कौन बचाता है तुम लोगों को। मैं बचाऊंगी इन्हें। नानी, संभाल के नानी, ये कांच का टुकड़ा लग जाता आपको
राय बहादुर, ये सब क्या हो रहा है? क्यों डरा धमका रहे हो इन भोले भाले बच्चों को? भोले भाले बच्चे, ये देखिए इन बंदरों ने मेरे पेड़ पौधों का क्या हाल किया है। मैं जानती हूँ, मैंने ही डालियाँ कटवाई हैं। आपने क्यों कटवाई मेरी डालियाँ? आपको क्या आ गया डालियाँ कटवाने का? ये पेड़ मेरा है। चुप! दो चार डालियाँ काट ली तो इसमें कोई इतनी उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, समझे? जब देखो मेरे जामुन का पेड़, मेरे गुलाब के पौधे, अरे चिड़िया कौवे और कबूतर भी अपने घोंसले नहीं बनाते इस बांज पेड़ पर। और यहाँ इस जामुन के पेड़ के नीचे ये गुलाब के पौधे रखकर क्या गुलाब जामुन उगाएंगे? मैं गुलाब जामुन उगाऊं या गुलकंद बनाऊं, आपको इससे क्या? ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये बंगला जिस पर आप कब्जा करके विराजमान हैं वो भी मेरा है। हाँ, मैं आपको इस घर से निकाल के रहूंगा। इंदिरा जी से मेरी पहचान हो गई है। मैं आप पर इमरजेंसी लगवा दूंगा। वो तो 3 महीने बाद ही लगने वाली है दादाजी। दादाजी तू कौन है बे? ईंट का जवाब पत्थर से देने का बहुत जबरदस्त आइडिया है मेरे पास बाबूजी। जमीनो अब देखना है, क्या कर रहे हो? अभी पता चलेगा किस मिट्टी से बना है मेरा बेटा। ये है मेरी डैड और इस मिट्टी से बने। तुमने मेरे बाबूजी को फूका मारा। मेरे बेचारे खरगोश जैसे नाजुक, कछुए के जैसे निर्दोष और कबूतर के जैसे। ओए मेरी तारीफ करना बंद कर, जवाब दे। जी जी। ये ईंट का जवाब पत्थर। बाबूजी शायद नल के पानी में दबाव कम था इसलिए। बाबूजी नहीं, बाबूजी गधा नहीं, बेवकूफ गधा है। कुर्ता बहुत मस्त है किशन। कुंदन बाबू, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। देखो कुर्ता उतार इसका। सब काम मैं ही करूं। नहीं कुंदन बाबू, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मेरे कपड़े मत फाड़ो। माला की टोली आ गई। तुझसे तो बात नहीं पड़ते हैं। बीकू चल। माला। अब ठीक है? अब ठीक तो है ना? ये साले लुच्चे मेरे पे पैर रख के चले गए। आप कौन हो? बाद में बताता हूँ। बाय। माँ आ गई। माँ आ गई।